की प्रक्रिया करने वाले हैं उसके संबंध में आयोजित की गई है कि इस प्रक्रिया से संबंधित जो भी तकनीकी पहलू हैं उनके बारे में आप अच्छी तरह से भली भांति समझ लें ताकि उसके क्रियान्वयन में कम से कम समस्याएं आए आपको आपके सामने और आप आसानी से इन चीजों को कर लें। सबसे पहली चीज जो मुख्य प्राथमिकता की थी वो ये था कि अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन जो आपके विद्यालय में हुआ वो सारे बच्चे प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत हो जाए। अच्छी खासी संख्या में बच्चे पंजीकृत हो चुके हैं, कुछ दो चार दस बच्चे होंगे, थोड़े से बचे हैं, खास करके क्लास वन और सिक्स का नामांकन अभी चल रहा है, तो जैसे जैसे नामांकन होता जाएगा आप उनको पोर्टल पे अपडेट करते जाएंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दूसरी बात कि जुलाई माह में ही सभी बीएसए के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी और विद्यालयों को यह निर्देश दिए गए थे कि सभी लोग अपने यहाँ सभी पेरेंट्स का, सभी माता पिता और अभिभावक का आधार नंबर उनकी सहमति से विद्यालयों पे कलेक्ट कर लें। वो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप सबने कलेक्ट कर लिया है, अब आगे इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें मात्र एक सप्ताह का समय मिला है, एक सप्ताह में हमें करना है। बिल्कुल जो प्रारंभिक तैयारी विद्यालय स्तर पे होनी चाहिए थी उसके लिए पर्याप्त समय था और आप सब लोग तैयार हैं। अब हमें बिल्कुल युद्ध की मुद्रा में इस काम से जुड़ना है, दिन रात एक करके करना है और इसके लिए सबसे पहले इसमें जो चरण है इसके बारे में आगे डिटेल में आपको बताया जाएगा। एक मोटे तौर पे मैं ये बता दूं कि आपका प्रेरणा डीबीटी मोबाइल ऐप आज इस सत्र के समाप्त होने के एक घंटे बाद से प्ले स्टोर पे लाइव हो जाएगा। जिन लोगों ने पहले से उस ऐप को डाउनलोड कर रखा वो लोग उसको अपडेट कर लेंगे या अनइंस्टॉल करके फिर से उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो वो अपडेटेड वर्जन आ जाएगा। उस मोबाइल ऐप के थ्रू टीचर्स को टीचर जैसे उस पे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे उनके विद्यालय में जितने पंजीकृत बच्चे हैं वो बच्चे दिखाई पड़ेंगे। उन बच्चों में अगर किसी को हटाना चाहते हैं, नाम कट गया है या विद्यालय छोड़ दिया है तो उसको ड्रॉप आउट कर देंगे, वहां से बच्चा हट जाएगा। अदरवाइज बच्चों को वेरीफाई करेंगे, उनके पेरेंट्स का आधार फीड करेंगे। इसमें ध्यान रखेंगे कि पेरेंट्स का आधार फीड करते समय जैसा उनका नाम आधार कार्ड में लिखा हुआ है वैसा ही नाम लिखेंगे, आधार नंबर डालेंगे, जेंडर डालेंगे, सेव करेंगे तो वो खुद ब खुद ऑथेंटिकेट हो जाएगा और ऑथेंटिकेशन के बाद उसको जैसे सेव करेंगे वो बीओ के लॉगिन पे दिखेगा। बीओ को ऐप के थ्रू नहीं जाना है, बीओ को पोर्टल के थ्रू जाना है। बीओ अपने लॉगिन से प्रेरणा पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, उनके ब्लॉक के सारे स्कूलों के जो भी डेटा वेरीफाई होकर के सेव होकर के टीचर से आया होगा वो शो करेगा, उस डेटा को देखना है, उसको वेरीफाई करना है। उसमें एक प्रारूप दिया हुआ है उनके डिक्लेरेशन का, उसको डाउनलोड करके साइन करके फिर उसको अपलोड करेंगे और उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे डेटा को बीएसए के लॉगिन पे। फिर बीएसए के लॉगिन पे वो डेटा बीएसए चेक करेंगे अपने लॉगिन से, उसके साथ उस डेटा को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद उनके लेवल पर भी एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको डाउनलोड करके साइन करके बीएसए उसको अपलोड करेंगे और डेटा को पीएफएमएस के टेम्पलेट पर डाउनलोड करके अपने वित्त एवं लेखाधिकारी को हैंडओवर करेंगे जो कि उसको पीएफएमएस पोर्टल पे अपलोड करेगा और अपलोड करने के बाद वहां से फाइनेंस का काम शुरू हो जाता है। इस काम के लिए हमें चूंकि ये सारा काम एक सप्ताह में करना है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले दो दिन में यानी कल और परसों में, दो दिन में सारे स्कूल अपने सभी बच्चों को मोबाइल ऐप के थ्रू वेरीफाई कर दें, अपडेट कर दें, पेरेंट्स का आधार ऑथेंटिकेट कर दें। ये कोई बड़ा काम नहीं है। अगर एक स्कूल में 200 बच्चे भी हैं और 4 अध्यापक हैं तो ऐप में ऐसी सुविधा है कि क्लास वार उन अध्यापकों के बीच क्लास बांट दिए जाएं और बांट करके एक साथ चारों अध्यापक करेंगे अगर 200 बच्चों का तो एक दिन में 25 बच्चे का करेंगे, 100 बच्चा हो जाएगा, दो दिन में 200 बच्चे आसानी से वो कर सकते हैं एक दिन में अगर 25 बच्चे भी करें तो। तो अगले दो दिन में सारे स्कूलों के सभी बच्चों का अध्यापकों के द्वारा अपडेशन और उनके पेरेंट्स का आधार ऑथेंटिकेशन का कार्य हमें कर लेना होगा और उसके बाद जैसे जैसे बीओ लॉगिन पर प्रदर्शित होता रहे, अध्यापक के स्तर से वेरीफाइड डेटा जैसे जैसे बीओ के लॉगिन पर प्रदर्शित होता रहे
बीओ का काम होगा कि उसमें वेट न करें कि सबका आ जाए तब हम करेंगे, जैसे जैसे आता जाए पर डे उसको बीएसए को फॉरवर्ड करते रहेंगे, और बीएसए भी इस चीज को वेट नहीं करेंगे इस चीज का कि सारा डेटा आ जाए तब हम उसको वेरीफाई करेंगे और डाउनलोड करेंगे। जैसे ही उनके पास 5000 का डेटा आ गया, 5000 के बैच में उस डेटा को वेरीफाई करके डाउनलोड करके पीएफएमएस पोर्टल पे फॉरवर्ड करते रहेंगे 5000 के लॉट में, तो ये काम पैरेलल होता रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर 2 दिन में हमारे सारे स्कूल के बच्चे ऑथेंटिकेट हो जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं, तो अगला 1 दिन और एक्स्ट्रा हम रखेंगे, तीसरे दिन सारे के सारे अपडेटेड बच्चों की फाइलें पीएफएमएस पोर्टल पे चली जाएंगी। फिर पीएफएमएस को 24 से 48 घंटा लगता है वैलिडेशन के प्रोसेस में, 2 दिन उनका हो जाएगा, 5 दिन हो गया, 6ठे दिन स्टेट लेवल से कुछ प्रक्रियाएं होनी होती हैं वो हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम 1 हफ्ते में कर सकते हैं, समय बहुत ही कम है। तो सबसे पहला काम तो ये है इंश्योर कराना कि हर स्कूल में एक साथ काम आज शाम से शुरू हो जाए, और अगले 2 दिन यानी कल और परसों शाम तक सारे बच्चों का सभी स्कूलों में अपडेशन हो जाए। ये मोटे तौर पे हमें ये करना होगा और ये टाइम फ्रेम लेके हमें चलना होगा। बीओ का दायित्व होगा कि वो देखना शुरू कर दे कल सुबह से कि उनके किस स्कूल से काम नहीं हो रहा है, और प्रयास ये करें कि परसों दोपहर तक हर स्कूल के सारे बच्चे का अपडेट हो जाए, ये बीओ का दायित्व होगा, और परसों शाम तक सारे डेटा वो बीएसए को फॉरवर्ड कर दें, ये दायित्व होगा उनका, बीओ का, बीएसए का यह दायित्व होगा कि परसों शाम तक जो भी डेटा आए परसों शाम तक का वेट नहीं करेंगे बल्कि पहले से शुरू कर देंगे, लेकिन हर दशा में परसों शाम तक का, देर शाम तक सारे बच्चों की फाइलें 5000 के बैच में पीएफएमएस के टेम्पलेट पर डाउनलोड करके पीएफएमएस को फॉरवर्ड कर देंगे, तब जाकर के इस काम को हम, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, 1 सप्ताह में कर पाएंगे। इसमें समय बिल्कुल नहीं है, इसमें दिन रात की सीमा को हम 24 घंटे से अधिक तो नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपनी कार्य की सीमा को 2-3 दिनों के लिए ज्यादा का नहीं, ऐसा नहीं है कि महीने भर इस प्रक्रिया को करना है, 2-3 दिन अगर हम जूझ करके, बिल्कुल जिस तरह से इलेक्शन में आप लोग काम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, एक एक प्रपत्र भरना, एक एक बैलेट पेपर चेक करना, काउंटिंग में जैसे आप करते हैं, उस मोड में आकर के जब अगर आप ये काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि शिक्षा विभाग से ज्यादा एफिशिएंट कोई विभाग नहीं है। देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर चलती है और तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसी की है तो हमारे अध्यापकों की है। अध्यापक जिस दिन ठान लेगा उस दिन 1 दिन में सारा का सारा डेटा ऑथेंटिकेट कर लेगा। ये जज्बा टीचरों में भरना होगा, ये हम सबका दायित्व है, और टीचर इस कार्य को हम उम्मीद करते हैं कि 2 दिन में सारे स्कूलों का कर दिखाएंगे, ऐसी उनमें क्षमता है, उनकी काबिलियत पे हमें पूरा भरोसा है।